कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा अलग अलग तरह की रोटियों के लिए जाना जाता है और यहाँ की महिलाएं इन रोटियों को बनाकर खुश हैं। यह कहानी जीवन को बदल डालने वाली फैसले का एक उदाहरण है। खाली जेब और भूखा पेट जीवन का सबसे अच्छा सबक सिखा सकता है। इस कहावत के लिए ये महिला सबसे अच्छा उदाहरण है। महादेवी ने रोटी बनाकर अपना जीवन बनाया है और अन्य महिलाओं को भी जीने का साधन मुहैया कराने में मदद की है। महादेवी कुलबर्गी की रहने वाली है। कम उम्र में ही उन्होंने अपने पति को खो दिया, जिसके बाद उन्हें अपने दो बच्चों के साथ जीवन गुजारने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। बहुत सारी समस्याओं का सामना करने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला किया। उसी समय मुगल खोड़ के एक सिद्ध पुरुष ने उन्हें साहस दिया और उसे आजीविका के लिए रोटी बेचने की सलाह दी। महादेवी कहती है कि उस सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद से अब उनके साथ 200 से अधिक महिलाएं रोटी बनाकर स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी रही हैं। ನಾ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕತ್ತ 32 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ. ಜಿಡ್ಗಿ ಅಪ್ಪರ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಜೋಳಿಗೆ ಬಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಕಂತಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. 9 ವರ್ಷ ನಾ ಒಬ್ಬಾಕಿನೆ ಮಾಡೀನಿ. ಅವಾಗ 9 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬಾಕಿನೆ ಮಾಡಾಕಿ ಮಾಡವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದಾಬಾ ಹೋಟೆಲ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಕಿರಿಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಈಗ 200 ಮಂದಿ, 150 ಮಂದಿ ಇರೋ. महादेवी की रसोई में महिलाएं हजारों रोटियां, चपाती, ढपती, होलीस तैयार करती हैं। जिले के अन्य हिस्सों में एक रोटी के लिए आमतौर पर 10 से 12 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन महादेवी इन रोटियों को 3 रुपए में उपलब्ध कराती हैं। महादेवी ने इसे एक सेवा के रूप में लिया है और जो लोग खाना खरीद कर खाने में असमर्थ है, वह उन लोगों को मुफ्त में भी रोटी देती है। महादेवी चाहती है कि कोई भी कभी भी ये ना कहे कि वे लोग भूख से पीड़ित हैं। महादेवी छात्रों को 1 से 2 रुपए में रोटी की आपूर्ति करती है। कोई आदमी शहर के किसी भी होटल से खाना लेना चाहता है तो उसे 60 से 70 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अगर वह महादेवी से रोटी खरीदता है तो वह 20 रुपए में भरपेट खाना खा सकता है। यहाँ बनी रोटियाँ केवल कलबुर्गी में ही मशहूर नहीं है, इन्हें अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। विदेश में रहने वाले भी इन्हें लेते हैं। जब वे अपने देशों को वापस जाते हैं तो यहाँ से रोटी ले जाते हैं। ಮುನರ್ 200 ಮಂದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 20 ಮಂದಿಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ರೀ. ಯಾರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬೀಗರು ಬಂದರೆ ನಾಳೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತಾರ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾರ ಅವರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪೀಸ್ ಅಂತಾರ, ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಾರ, ಎಲ್ಲ 20 ಮಂದಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರ, ಚಾ ಎಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಅದ ರೀ. ಇಂಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನಾರ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಸ್ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ 20 ಮಂದಿ ಬದುಕ್ತೇವೆ ನಾವು. महादेवी ने कई साल पहले अवसाद के कारण आत्महत्या करने का फैसला किया था। उन्होंने अब अपनी खुद की फर्म बना ली है और 200 से अधिक महिलाओं को नौकरी का अवसर दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।